हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी ई टी प्रिपरेशन में। कल शिक्षा मंत्री ने बोला था कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होगी, तो कुल 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी, ऐसा मंत्री जी बोले हैं। शिक्षा विधि और समाज कल्याण मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने शनिवार को कहा कि नियोजित शिक्षकों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों के असली शुभचिंतक है। लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हटते ही राज्य में करीब 80,000 प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आने के चलते ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी। वैसे भी टीईटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता की अवधि इस साल खत्म होने वाली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि नियोजित शिक्षकों के सामने समान काम के बदले समान वेतन संभव नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति अस्थायी स्तर की नियोजन इकाई के जरिए हुई है और नियमावली के अनुरूप नियत वेतन पर बहाल है। फिर भी राज्य सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को नियत वेतन में हर साल बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार शिक्षकों को सम्मान देने में कभी पीछे नहीं हट रही, यही वजह है कि शिक्षक के नियत वेतन में वृद्धि की जा रही है। अच्छा, तो आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और बहाली की पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।